हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पंदन। फ्रेंड्स, आज आम पाठ करिबा पुष्पपुर वर्षावरण जहाँ को रचना करिचंती विशिष्ट ऐतिहासिक प्राबंधिक प्रत्नतत्वविद तथा सुलेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही। कौन रचना करिचंती पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करिबा, प्रतिटी शब्द को देखिबा, भिडियोटी को शेष जाए निहाति देखिबे। एवं आउ गोटी अनुरोध समस्त पाखे रहिबो, निश्चित भिडियोटी को टिके शेयर करदेवे समस्त सांगे। कौन लिखी आसतु देखा, स्वागत बारिवाह स्वागत, तोर स्निग्ध कज्वल कांति आज पुष्पपुर नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। प्रथमे बारिवाह को प्राबंधिक स्वागत जणाइछन्ति। बारिवाह किए, जी बारी को बहन करे। बारी कहिले जल, जल को किए बहन करे, आम समस्त जानिचे मेघ। तेणु प्रथमे प्राबंधिक मेघ को स्वागत जणाइछन्ति। एवं स्वागत जनाई कौन कहुचंती, तोर स्निग्ध कज्वल कांति। स्निग्ध कहिले कोमल, कज्वल कांति कहिले कला रूप। हे मेघ, तोर कोमल चिकन कला रूप ना आज कौन कर जानचु ना, आज पुष्पपुर रे। पुष्पपुर कहिले कौन, पटना रे, बिहार राजधानी, मगधर राजधानी पटना। से पटना रे आज कौन करिछि, नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। नेत्रोत्सव कहिले कौन, आम समस्त जानचे श्रीगुंडीचा यात्रा पूर्व 15 दिन अनसर घरे रहिबा परे श्री जगन्नाथ जेतेबेले नवजौवन प्राप्त हुवंती बा नवजौवन रूप देखिबा को मिले, तापरे भगवानंकर नेत्रोत्सव उत्सव पालन करा जाए। नेत्रोत्सव पालन करा जाए, आम समस्त जानचे हाँ, भगवानंकर नेत्रोत्सव पालन करा जाए। एवं श्रीमंदिर उत्सव मुखर हो उठे। सेई भली जेतेबेले मेघ आसी प्राबंधिक रही कौटि पुष्पपुर पटना रे प्राबंधिक अछन्ति। एवं पटना रे थाई कि मेघ को स्वागत जनाउचन्ति, स्वागत जनाई कहउचन्ति जे आज ए तो कला रंग तो कोमल कला रंग ना आज ए पटना रे नेत्रोत्सव सृष्टि करिछि। आमे समस्त जानिछे भगवान कर नवजौवन रूप देखिबा को मिले 15 दिन पर अनसर घर रहिया पर तापर तांको आखिरे पितुला लगा जाए बा पितुला जो कला रंग करा जाए जहाँ को नेत्रोत्सव कहा जाए। से जो उत्सव जमीती तापर रथजात्रा आरंभ हुए आम समस्त जानचे से रूप जमीती से उत्सव जमीती आज मेघ तू जो कला रूप धरिकी आसीचु ना स्निग्ध कोमल रूप धरिकी आसीचु ना यही पटना मध्य आज उत्सव मुखर हो उठी। यही पटना मध्य आज नेत्रोत्सव सृष्टि करटनारे प्रसाद बातायन पथरे तोर आगमन सत शुभ संघ बाजी उठुची। देखु के सुंदर भाव में कही लेखक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही प्रबंध मानस पुस्तक रु यह आसी पुष्पपुर वर्षावरण। एवं जो थे प्राबंधिक कौन कर मेघ को दूत भाव में ओडिशा को उत्कल भूमि को पठाई एवं उत्कल भूमि रे वर्षा करने तथा ओडिशा को सबुज शस्य श्यामला करने से मेघ को पठाई कौटू पटनारू पटनारे से थिले ना। एवं ओडिशा रो कौन करते जो प्रबंधटे आम पाइबा ओडिशार भौगोलिक ऐतिहासिक विशेषत्व महिमा को सी वर्णना कराबंधिक किपरी डिटेल्स आलोचना करेंगे। आपन टे थय धरिकी भिडटी कम्प्लीटली देखु संपूर्ण रूपे भिडटी देखु पाठटी प्राजल भाव में बुझीजे किसी असुविधा हेनी। कौन पुणी प्राबंधिक कहते प्रसाद बातायन पथरे तोर आगमन सत शुभ शख बाजी उठू। प्रसाद कहिले कौन कोठाघर अट्टालिका कोठाघर, बातायन कहिले झरका झरका पथरे। प्राबंधिक पटनारे अच्छा कोठाघरे अच्छा प्रसाद अच्छा बातायन पथरे झरका कड़े झरका बाटरे मेघर आगमनी मेघ आसवार सत शुभ शख बाजी उठू। सते जेपरी शह शह शुभ शख बाजी उठू। मेघ जेतेबेले आसे सेतेबेले आकाश कौन चमकू थाए, बिजुली घड़ घड़ी शब्द मारे। से घड़ घड़ी शब्द को प्राबंधिक साहित्यिक भाषा कही जेपरी तो आगमन सत शुभ शख बाजी उठू, शह शह शुभ शख बाजी उठू। आम समस्त जानचे वर्षा हूँ आम पाई के दरकार ना नहीं, दूरबंधु वर्षा को संबोधन करुचंती एवं वर्षार अपरूप शोभा को सूचित करुचंती कहुचंती हे दूरबंधु कुआडे थिलो, बहुत दूर रे तमे थिलो, दी तीन मास रेनी हमको घंटी सरलणी। दूरबंधु बहु दिन परे तोर शुभागमन आज मंगलकर मध्युमय हो उठी। निधाग प्रचंड खरा, प्रचंड खरा माने बहुत दिन परे
तोर शुभागमन तोर ए जो आगमन घटिछि ना एहा शुभ आगमन एवं आज एहा मंगलकर समग्र भारत देश पई समग्र उड़ीसा उत्कल माटी पई तोर आगमन आज मंगलकर एवं मधुमय सौंदर्यमय चारियाडे मीठा ही मीठा होई उठिछि एवं कोन कहउतंदी तोर स्पर्श रे पुष्पपुर अछिरे सजीव श्यामल होई उठिबो तोर हे वर्षा हे मेघ हे बारीबाह तोर छुआरे ना तू जदि आसी कि बरसी जीवु ना तो छुआरे एई पटना शहर अचिरे अचिरे कहले कोन आमे समस्त जानिजे अचिरे कहले क्षणी करे सजीव हे जीव श्यामल होई जीव वर्षा छाड़ी गला परे नुआ नुआ कोळिया दुब घास सब जन्म जन्मे पत्र रे सजीवता आसे सबु सस्य श्यामल देखा जाए सही कथा गुरुबंधिक कहउचंती हे वर्षा तो स्पर्श रे एई पटना शहर क्षणी करे सजीव पालटी जीव श्यामल होई उठिबो पुणी ताकू संबोधन करिकी कहउचंती वर्षा को बारिद मु सुनिचि जे इतिहास रो के ओनाम जुग रे बिताडित बिरही जक्षटिए पुष्प अर्घ्य रे तोते पूजा करी अलका पुरी रो प्रिया पास को तो हस्त रे उदंत पठाईतिला देखंतु एहा ही होउचि प्रबंधटी किभळी आरंभ करचंती देखंतु जे भळी एई जो कथा एई कथा देखंतु बारिद बारिद कहले सेई वर्षा बारिद कहले कोन सेई वर्षा कहउचंती हे बारिद हे वर्षा मु सुनिची प्राबंधिक कहउचंती मु सुनिची जे कोन ना इतिहास रो केउ अनाम जुग रे केउ अनाम जुग जो जुग रो नाम नाही बा नाम नाही कहले अनाम माने कोन माने को समय ताहाकू जानी हुए नाही जाहाकू कहउचंती अनाम जुग बा अजणा जुग जाहाकू आमे कहउचे ना नाही लेखक कहउचंती इतिहास रो केउ अजणा जुग रे बिताडित बिरही जक्षटिए पुष्प अर्घ्य रे तोते पूजा करी अलका पुरी रो प्रिया पास को तो हस्त रे उदंत पठाइतिला कालिदासंकर मेघदूत काव्य आपनकर मने थिबो समस्तंकर जानि नाहंती अच्छा मु कहि दउची आपन माने समस्त जानिथिबे संस्कृत साहित्य रे महाकवि कालिदास कोन करथिले ना वर्षा को दूत करी प्रिया पाख को पठाइतिले प्रणयिनी पाख को पठाइतिले किए पठाइतिले ना मेघदूत काव्य रे लेखा जाइची जे बिरही जक्षटिए कोन करिची पुष्प अर्घ्य रे पुष्पांजलि देई फूल देई कोन करिची मेघ को पूजा करिची एवं मेघ हात रे खबर पठाइची काहाकू ना अलकापुरी रो प्रिया पाखकू अलकापुरी रे अछि प्रिया एठी जक्ष आजि कोन होइछि अभिशप्त जीवन पाइकि गिरी पर्वत रे अछि बा जदि आमे कहबा एठी अभिशप्त जीवन पाइकि कोन करछि रामगिरी पर्वत रे जक्ष अछि एवं रामगिरी पर्वत रे जक्ष अलकापुरी रे अछि प्रिया एते दूर केमिति खबर पठैबी का हाथ रे खबर पठैबी मेघ को पुष्प अर्घ्य रे पूजा करी ताकू से कोन करछि खबर पठाई बा उदंत पठाई उदंत कहले खबर पठाई मेघदूत काव्यर यहाँ ही हूँ सारांश यही मेघदूत काव्य को अनुसरण करी सी अनुसरण करी कौन कर वर्षा को ओडिशा को पठाई जमीती बिरही जक्षटीए अलकापुरी प्रिया पाख को जक्षिणी पाख को खबर पठाई से आज पुष्पपुर पटना रही प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही कौन करचंती खबर पठौचंती ओडिसा रे थिबा बा ओडिसा को टिके भिजेई देकिया बा ओडिसा पाख को खबर पठौचंती मेघ हात रे कहउचंती कौन किंतु हे घन बुझी पारचो ना नै जेमिति संस्कृत साहित्य रे कालिदास मेघ को दूत करी पठाइथिले वर्तमान ओडिया रे आमे देखुचे कृष्णचंद्र पाणिग्राही पटना रे थिबा बेले कौन करचंती मेघ को दूत भाव रे ओडिसा को पठौचंती टी ओडिसा को भिजेई देकिया ओडिसा को जेंती बिरही जक्ष जो मेघ जेमती सेथरे लेखा जायतिला जे मेघ कुआड़ जीव मेघ रामगिरी पर्वत अम्रकूट जीव मालपुरी जीव बुझिपारचो ना नाही एवं धीरे धीरे आसी नदी बहु नद नदी दे कुरुक्षेत्र आसिक पहुँचब कौटि सरस्वती नदी दे आसिक पहुँचब से भली मेघ को किए पठौचंती कृष्णचंद्र पाणिग्राही पठौचंती जे मेघ किभली संबलपुर जीव मयूरभंज जीव से मेघ पुरी जीव कोणार्क जीव चारियाडे केमती जीव से कथा को एठी वर्णना करचंती कहउचंती किंतु घन कहले से घन मेघ मेघ को बुझाए किंतु घन कौन ना व्यक्ति ठारु कौन गोष्ठी बड़ नुहे व्यक्ति ठारु कौन गोष्ठी बड़ नुहे ए जो व्यक्ति कथा तू बुझी पारलु बिरही जक्ष कथा तू
बुझिपारु किंतु व्यक्ति ठारु कौन गोष्ठी बड़ नुहे उत्कलवासी केत लोक ओडिशार केत लोक बहुत लोक अच्छा तु जदि जनक खबर नहीं कि जापारु जनक खबर नहीं कि तोर प्राणायनी प्रिया मो प्राणायनी बा अलकापुरी मोर प्रिया पाखक खबर नहीं पहुँचे पारु ताहले एई जणे व्यक्तिर काम जदि तु करि पारुछु उत्कल तो बहुत उत्कल तो गोटे गोष्ठी बा ओडिशार बहुत ओडिया लोक माने अछंदी से गोष्ठी लोक माने कोन बड़ नुहे देख से माने केमिति खरारे सिझिलेनी बा से माने जो खरा बा प्रचंड रौद्रता परे केमिति अतिष्ठ होलेनी तेणु व्यक्ति ठारु से जो विरही जक्ष जणे व्यक्ति ठारु कोन गोटे गोष्ठी बड़ नुहे एही भ्राम्यमान उदासीना धरणी व्यक्ति विशेषर लभ्य क्षेत्र विचलित हुए नाही एही भ्राम्यमान एही सबुबले बुलुथिबा उदासीना धरणी एही उदासीना धरणी एही पृथ्वी कौन व्यक्ति विशेषर लाभ क्षेत्र विचलित हुए नाही कोनोसी व्यक्ति विशेषर जो लाभ क्षति आसिला ता सेथिरे पृथ्वीर की जाए की आसे बुझी पाटो ना नहीं किंतु एही जो पृथ्वी जो थिरे बंची रहिची वायु सलिल आलोक उत्ताप पाई से जीव मानकर वासभूमि होइची सेथिर गोटिए उणा हेले कौन से आउ वासभूमि होई रही पारिबो लेखक कहउचंती जे जदि गोटे व्यक्तिर व्यक्ति विशेषकर लाभ्य क्षेत्र पृथ्वी विचलित हुए नाही किंतु पृथ्वी कोउथरे विचलित हबो जोउथरे से जीवन धारण करिची वायु को नै सलिल पानी के नै आलोक उत्ताप पाई जोउथि पाई से जीव मानकर वासभूमि होइची जदि सेथिरु गोटिए भी कमी जाए जदि सेथिरु एही जो चारोटे जिनिस जदि गोटिए जिनिस कमी जाए उणा हुए ताहले पृथ्वी कोण आउ वासभूमि होइ रहि पारिबो बोली मेघ को प्रश्न करिसेंती तेणु तू शीघ्र टिके उत्कल प्रदेश को जा एवं आउ कोण कहउचंती जळा भाबरे उत्कल रे आज हाहाकार पडिची प्रचंड रौद्रता परे आज अतिष्ठ उत्कलवासी जळा भाव घटिची उत्कल आज हाहाकार सुभुची एवं कहउचंती एणु दिन अश्रु अर्घ्य रे मानस कमल अर्पण करी तोते मु कातर रे कहउची पुष्पपुर रे स्वकर्म सारी उत्कल पथरे गति करिबु रे मेघ जेमिति मेघदूत काव्य रे कालिदास से जो जक्ष जक्ष जेभली कोन करथिला ना गिरिमल्ली करे पूजा करी मेघ को पठैथिला ता प्रिया पाख को एठी मध्य आज प्राबंधिक सेमिति पठौचंती दिन अश्रु अघ्य रे लुह ढालिकिरी लुह ढालिकी एवं मानस कमल अर्पण करी मनर पद्म मने मने पद्म देई बा मनर पद्मपुष्प को अर्पण करी आज कातर रे अति दुख रे कहउचंती पुष्पपुर रे स्वकर्म सारी एई पटना शहर रे तोर जहां काम स्वकर्म निज काम सारी तू उत्कल पथरे एई उत्कल ओडिसा बाटरे तू टिके गति कर एवं आउ कोन कहउचंती आज मु जदि मु धूम ज्योति ओ सनेळ होई तोह सहित मिसी पारंती तेबे बातायन पथरे उड़ी जाई अग्रगति रे मोर जन्मभूमि को तते चिन्हाई दियंती कहउचंती रे मेघ मु सिना आज पटना रे रही जाई के कहउचंती प्राबंधिक डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही कहउचंती आज जदि मु धूम होई पारंती धूम कहले आज जदि मु धुआं बाष्प होई पारंती आज जदि मु ज्योति होई पारंती मु जदि आज बिजुली होई पारंती ना बिजुली रो चमक होई पारंती जाबा सलिल मु जदि आज पानी होई पारंती ना तो सहित मिसी पारंती रे बेग मु तो सांगरे मिसी पारुनी जदि मु ए तीनटांगरु गोटी होई जांती ना तो सांगरे मु मिसी जांती एवं मिसी कोन करंती जानिछु ना बातायन पथरे उड़ी जाई बातायन कहले झरका झरका बाटरे उड़ी जाई अग्रगति रे अग्रगति कहले आगुआ आगुआ बा आगकु आगकु गति करी कोन करंती आगरे चालिकी मोर जन्मभूमि को तते टिके चिन्हई दियंती मु जो जन्मभूमि जोठी मु जन्म होईची से ओडी उत्कल माटी ताको मुटिया तते चिन्हई दियंती आगेरे जाईकी किंतु कोन करिवारे मु तो पुष्पपुर रही जाईची मेघ तू टिके जा तथापि देखंदु से कहउचंती प्राबंधिक कहउचंती तथापि पथ प्रदर्शक बिना भारतर सारभूता उत्कल भूमि को चिन्हिबा पई तोर भ्रम हेबो नाही प्राबंधिक कहउचंती देखंतु एही प्रबंध रे आपण माने समस्त कोण देखियाउ पाइबे कहिले एही प्रबंध रे कृष्णचंद्र पाणिग्राही ओडिसा रे वंदना करिचंती किभळी वंदना करिचंती ओडिसा को बा जन्मभूमि प्रति आपणार भाव को देखैचंती एवं जन्मभूमि रो भौगोलिक चित्र को उपस्थापना करिचंती जन्मभूमि रो स्मृति को रोमांथन करिचंती एवं जन्मभूमि को बहुत दूर रे प्रशंसा शत प्रशंसा करिचंती प्राबंधिक कहउचंती पथ प्रदर्शक बिना तोते बाट देखा पड़बनी कहीं कहलु पथ प्रदर्शक बिना पथ प्रदर्शक कहले जी बाट देखा आगक आगक रास्ता देखा बिना भारतर सारभूता सारभूता कहले श्रेष्ठ उत्कल भूमि को चिन्हवापी तोर भ्रम हेबना जाचुना
ଭାରତର ସାରଭୂତା ଭାରତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୋର ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ କହନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଦରକାର ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ତେଣୁ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଏ ଉତ୍କଳଭୂମି ତୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ଏକ ଦିଗରେ ପୁଗ ପୂର୍ଣ୍ଣାଗ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଳ ତମାଳ ତାମ୍ବୁଳ ଓ ନାରିକେଳ ବନରେ ବିଶୋଭିତ ମହୋଦଧିର ବେଳାରେ ସେ ବଳୟିତ ହୋଇଛି କହୁଛନ୍ତି କବି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା ଏକ ଦିଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବୁ ଯେ ଏକ ଦିଗରେ ପୁଗ ଗଛ ଅଛି ପୁଗ ଗଛ କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପୁଗ କ'ଣ ପୁଗ କହିଲେ ଗୁଆ ଗୁଆ ଗଛ ପୁଗ ପୁନାଗ ପୁନାଗ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପୋଲାଙ୍ଗ ଗଛ ପୁଗ ଗୁଆ ଗଛ ପୋଲାଙ୍ଗ ଗଛ ତାଳ ଗଛ ତମାଳ ଗଛ ତାମ୍ବୁଳ ଗଛ ତାମ୍ବୁଳ କ'ଣ ତାମ୍ବୁଳ କହିଲେ ପାନ ଗଛ ନାରିକେଳ କହିଲେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ତୁ ଦେଖିବୁ ରେ ମେଘ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥିବ କେଉଁ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଦିଗରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥାଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପୁରୀ ପଟେ ପୁରୀ ସାଇଡ଼୍ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବେ ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବହୁତ ଗୁଆ ଗଛ ହଁ ଗୁଆ ଗଛକୁ ଏଠି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ପୁଗ ଗଛ ପୁନାଗ ଗଛ ତାମ୍ବୁଳ ଗଛ ପାନ ଗଛ ନାରିକେଳ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଶୋଭା ପାଉଥିବ ଏବଂ କେଉଁଠି ଶୋଭା ପାଉଥିବ ବିଶୋଭିତ ମହୋଦଧିର ବେଳାରେ ମହୋଦଧି କହିଲେ ମହାସମୁଦ୍ର ବା ସମୁଦ୍ରର ବେଳାରେ ବିଶୋଭିତ ଶୋଭା ପାଉଥିବ ସେଥିରେ ସେ ବଳୟିତ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ସେ ଶୋଭା ପାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ବଳୟିତ କହିଲେ ବେଷ୍ଟିତ ଘେରି ରହିଛି ବଳୟିତ କହିଲେ କ'ଣ ଘେରି ରହିଛି ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ତାଳ ତମାଳ ତାମ୍ବୁଳ ପାନ ଗଛ ପୁଗ ଗୁଆ ଗଛ ପୁନାଗ ପୋଲାଗ ଗଛ ଏସବୁ ବିଶୋଭିତ ମହୋଦଧିର ବେଳାରେ ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଦେଖିବୁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଉତ୍କଳ ଭୂମି କଥା ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର କରି ଦେଖାଇ ଦିଏ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଏଇପଟେ ଆପଣ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଏସବୁ ଗଛ ନାରିକେଳ ଗଛ ଗୁଆ ଗଛ ତାମ୍ବୁଳ ତାଳ ତମାଳ ଗଛ ସବୁ ଅଛି ପାନ ଗଛ ଅଛି ଅନ୍ୟପଟେ କ'ଣ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସମାକୁଳ ନିବିଡ଼ ବନରାଜିର ଅସରନ୍ତି ସ୍ୱାମ ସୋବାର ଅପରୂପା ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ କହିଲୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ କହିଲେ କ'ଣ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ କହିଲେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ କହିଲେ ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ସମାକୁଳ ସମାକୁଳ କହିଲେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନିବିଡ଼ ବନରାଜି ନିବିଡ଼ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଶୋଭା ଅସରନ୍ତି ଏଇପଟେ ତୁ ଦେଖିବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇପଟେ ତୁ ଏରିଆରେ ଦେଖିବୁ ନା ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏକାଠି ସବୁ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଉଚ୍ଚ ଶିଖରୀ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାନେ ଅପରୂପା ହୋଇଛି ଅପରୂପା ହୋଇଛି କହିଲେ କ'ଣ ଅପରୂପା କହିଲେ ଅସାମାନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଛି ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ଜନ୍ମଭୂମି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ନା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି କୋଟିବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଯିଏ କୋଟିବୀରଙ୍କର ପ୍ରସବ ବେଦନା ସହିଛି ଯିଏ କୋଟିବୀରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ ଯେଉଁଠି କୋଟି କୋଟି କୀର୍ତ୍ତିରେ କିରୀଟି ଯୁକ୍ତ କୀର୍ତ୍ତିର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି ଯିଏ କୀର୍ତ୍ତିର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ କୋଟି କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଆମେ କହୁଛେ କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ ତଟିନୀ ତଟମାଳିନୀ ଏଠି ବହୁତ ତଟିନୀ ନଦୀ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ନଦୀର କୂଳ ତଟ ଅଛି ସମୁଦ୍ରର ତଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତଟିନୀ ତଟମାଳିନୀ ମୋ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରତ୍ନଧାରିଣୀ ଏବଂ ଏଠି ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଭୂଗୋଳ ବହିରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଉଥିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳେ ହଁ ପ୍ରଚୁର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଓଡ଼ିଶାର ଜୟ ଜୟକାର କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପତିତା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଲାଞ୍ଛିତା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଖଣ୍ଡିତା ହଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ପତିତା 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 କହିଲେ କ'ଣ ପତିତା କହିଲେ ଆଜି ସିଏ ଚାଲିଛି କ'ଣ ପୁରା ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଛିତା ଲାଞ୍ଛନା ସହ୍ୟ କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡିତା ଆଜି ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି କିଛି ପ୍ରଦେଶ ଯାଇକି ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ରହିଲା ବେଳକୁ କିଛି ପ୍ରଦେଶ ଯାଇକି ବଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଆଜି ଅଲଗା ହୋଇକି ରହୁଛି ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ତ କହିଲେ କ'ଣ
प्रथमे ओडिसा रो भौगोलिक अवस्थिति तथा ओडिसा रो जय जयकार करचोन एवं परे कहउचोन जे आज मो ओडिसा आज पतिता पलटी जाईची हां दूषिता होई जाईची लांछिता अपमानिता होई जाईची खंडिता खंड विखंडित होई जाईची मो ओडिसा जळद रे मेघ एपरि भूमि को चिन्हिबा पई तोर भ्रम होबो नाही ए बळी भूमि को तू निश्चित चिन्हि पारिबु निश्चित तू कोणार्क मंदिर देखिले जानि पारिबु जे हम ओडिसा निश्चित तू कोटि कीर्ति के देखिले जानि पारिबु एवं बिजुली विमंडित ओ बळका विश्वभीत होई गंधवह हिल्लोळरे भासी भासी पीतवसन वर्णमाली परि उत्कलर आकाश रे आविर्भूत होई जिवु कहउचंती बिजुली विमंडित होई बिजुली को बिजुली रे शोभा होई बिजुली को धरी एवं कोण बळका विसलित बळका कहिले बग बगरे शोभित होई कोण करिवु बगरे शोभित होई गंधवह हिल्लोळरे गंधवह हिल्लोळ कहिले कोण हां गंधवह कहिले आमे समस्त जानिचे पवन को बुझाए गंधवह बोली बुझिबा जना नै एवं आउ कोण कहउची जे भासी भासी पीतवसन वर्ण वाली बोली ना बिजुली विमंडित होई बिजुली रे परिशोभित होई आ भगवानन को द्वारा शोभित होई भगवानन को साथी रे नै गंधवह ए पवन सहित हिल्लोड़ रे भासी भासी पवन तरंग रे भासी भासी कोण करिवु पीतवसन वर्ण वाली भली पीतवसन कहिले जे गेरुआ रंगर वस्त्र परिधान करंदी हळदिया वस्त्र परिधान करंदी पीत वस्त्र परिधान करंदी किए से ना वर्णमाली श्री कृष्ण जेमंदी हळदिया वस्त्र परिधान करी आसंती सेई भली तू कोण करू बिजुली की धरी हळदी रंगर बिजुली को शोभा करी बा हळदी रंगर बिजुली को नेई भगवान को साथी रे नेई गंधवह वायु रो तरंग रे तू भासी भासी उत्कल भूमि रे उत्कल आकाश रे आविर्भूत होई जिवु उत्कल आकाश रे जाई की पहुंचि जिवु एवं श्री कृष्ण को जेमिते चाहुतले के गोपांगना माने गोपांगना मानंक अपांग ज्ञान श्यामर रूप सुधा पान कला परि उत्कल रे आजि कोटि नेत्र तोर रूप सुधा पान करिवो जेमिति गोप गोपांगना माने श्री कृष्णकर पीतवसन को देखि कोन करथिले अति उल्लसित होइ पडुथिले सेई कथा कोठी कहउचंदी गोपांगना मानंक अपांग घन श्यामर रूप सुधा गोपांगना माने अपांग कहिले कटाक्ष बा तिर्जक चाहणी गोपांगना माने जेपळि तिर्जक चाहणी रे घनश्यामर बा श्रीकृष्णकर रूप सुधा को रूप अमृत को पान कर दिंती तिर्जक चाहणी रे श्रीकृष्ण को नै आत्मतृप्ति लाभ करंती सेइ भली आज कोन करिवे ना उत्कल रे आज कोटि नेत्र उत्कल रो कोटि कोटि जनतांकर नेत्र तोर ओइ जो रूप सभा रे मेघ तोर ओइ जो रूप सभा बिजुली विमंडित रूप सभा को देखि आज कोन करिवे रूप सुधा पान करिवे आज उत्कलवासी मध्य अमृत पान करिवे एवं तापर कोण कहउचंती परवर्ती वीडियो रे आलोचना करिबा आज पई मते विदाय दियंतु रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ।